हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिसिंग चौहान एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने फिटनेस चैनल टैप पे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो अपने दुबलेपन से परेशान हो चुके हैं और उनका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि मैं इसमें आपको दिन भर का डाइट प्लान बताने वाला हूँ कि आप दिन में कैसी कौन सी डाइट रखो। मैं पूरा एकदम मील लेके आया हूँ और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो कौन से प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हमारा वेट पुट ऑन नहीं होता है। तो ज़्यादा समय लेते हो, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल फिटनेस और हेल्थ के वीडियो लाता रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेट गेन डाइट प्लान। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमको दिन भर में कितना कैलोरी चाहिए होता है जिससे हमारा अच्छी तरह से वेट गेन हो सके। तो सबसे पहले हम जान लें कि शरीर का वजन काफ़ी हद तक कैलोरी पर निर्भर करता है। जहां वजन कम करने के लिए कम कैलोरी की जरूरत होती है, वहीं वजन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में कैलोरी लेनी चाहिए। अगर आप कम वजन से परेशान हैं तो नियमित रूप से 2000 से 2200 कैलोरी कम से कम आपको लेनी चाहिए या 3000 तक। तो इस टिप्स के बाद अब शुरू करते हैं आज का अपना डाइट प्लान। तो हम शुरुआत करते हैं नाश्ते के पहले से, जहां आप फुल फैट वाले दूध की चाय ले सकते हैं। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो बादाम मिल्क ले सकते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन है नाश्ते के पहले का। अब हम चलते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ता हमारा हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि दिन भर की कैलोरी हमारा नाश्ता ही डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें आप क्या ले सकते हैं। कम फैट वाले मक्खन के साथ मल्टीग्रेन के 2 पीस और कम से कम 2 अंडे का आमलेट खाएं। ये हमारा पहला ऑप्शन है। सेकंड हमारा जो ऑप्शन आता है वो है सब्जी के साथ 2 चपाती या फिर कम से कम 2 से 3 पराठे आपके नाश्ते में होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दोपहर के खाने की तरफ, यानी हमारा लंच। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बासमती चावल के साथ कम से कम 2 पीस चिकन या 1 मछली या अंडा या पनीर ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो हमें चाहिए होगा 1 कटोरी सब्जी व दाल के साथ कम से कम 2 से 4 चपाती और 1 कटोरा चावल। आप सब्जी व दाल में घी जरूर डाल लें और चपाती पर भी घी लगा के खा सकते हैं। ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन गया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 3 घंटे बाद 1 गिलास फुल फैट वाला दूध का सेवन करें या फिर प्रोटीन शेक ले सकते हैं। इसकी जगह आप फुल फैट वाला दही भी खा सकते हैं। अब हम आ गए हैं शाम के नाश्ते की तरफ। शाम के नाश्ते में आप मक्खन के साथ वेज सूप ले सकते हैं या पनीर के साथ सैंडविच भी खा सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने डिनर की तरफ। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो डाइट आपने दोपहर के खाने में ली है उसी तरह से आप रात को भी खा सकते हैं, लेकिन रात को चावल न खाएं। जो हमारी लास्ट डाइट होगी वो होगी बिफोर बेड, यानी सोने से पहले। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1 गिलास दूध और 1 छेना रसगुल्ला खाएं, क्योंकि दूध में भारी मात्रा में आपको कैल्शियम और अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाता है और जो छेना होता है आपका वेट गेन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये थे आज के बेहतरीन टिप्स। अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि वो कौन सा बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने वजन को तेज़ी से बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करें। वेट ट्रेनिंग से हमारी मांसपेशियों का विकास होता है और हम जो भी खा रहे होते हैं वो सारा हमारी मांसपेशियों को भरपूर मात्रा मिल जाता है। तो आप हफ्ते में कम से कम 4 बार वेट ट्रेनिंग कीजिए, आप खुद अपने अंदर बेहतर रिजल्ट पाना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को वीडियो, ये हमें कमेंट करके हमारे सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। सो टेक केयर एंड गुड बाय। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को वीडियो, आप इसको प्लीज़ अपने कमेंट करके हमको जरूर बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और दोस्तों, इस डाइट को अगर आप सीरियसली फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप अपनी 1 हफ्ते में कम से कम 2 kg वेट बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और
जिनको लगता है कि आप बता सकते हो उनको वहां तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।